हे गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए हमेशा कुछ का 10 गुना ज़्यादा करना पड़ता है। हम जो चीज़ पाना चाहते हैं ना, वो हमारे लिए कुछ है, लेकिन उस पाने के पीछे जितनी मेहनत करनी पड़ती है वो कुछ नहीं होती है। वो उस कुछ का हो सकता है 1000 गुना भी हो सकती है। तो अपने इस जीवन में हमेशा कुछ अलग सोचिए, कुछ अलग करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो आज तक आप करते आए हो, जो आप आज तक सोचते आए हो, इसीलिए आपको वही आज तक मिलता गया है। आज आप अनसक्सेसफुल हो तो इसी कारण हो कि अपने काम करने के तरीके को, अपने सोचने के तरीके को, अपने किसी चीज़ को शुरू शुरू करने के तरीके को आपने कभी बदला नहीं है। अपने आप पे आपने काम नहीं किया, आप केवल बाहरी दुनिया में चीज़ों को ढूंढते हो कि बाहरी दुनिया से ही सक्सेस मिल सकती है। जैसे मैं एक विद्यार्थी के लिए मोटिवेशन वीडियोस बनाता हूँ, तो मैं विद्यार्थी को लेकर बताता हूँ कि विद्यार्थी बाहरी जीवन में ही विकास अपना ढूंढ पाता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर से विकास कभी नहीं होगा, मैं अपने अंदर से अपना दिमाग कभी तेज नहीं कर सकता, मैं अपने अंदर से साइंस हिस्ट्री पॉलिटी नहीं पढ़ सकता, मुझे केवल जब अच्छी किताबें मिलेंगी, अच्छा टीचर मिलेगा, अच्छा समय मिलेगा, घर वाले सपोर्ट करेंगे, फैमिली वाले सपोर्ट करेंगे, पड़ोसी सपोर्ट करेगा, दोस्त सपोर्ट करेगा, तभी मैं पढ़ सकता हूँ। तो ये अवधारणा आप जब तक चेंज नहीं करोगे, तब तक आप हमेशा पिटते रहोगे, पिटते रहोगे। आपको कोई ना कोई हरा के निकलता रहेगा और आप पीछे से पीछे, पीछे से पीछे होते रहोगे। एक बार अगर ये पीछे वाली आदत लग जाती है ना इंसान को, वो कभी फिर आगे नहीं आ पाता। जब तक उसको कोई पकड़ के, उसको कोई सुना के आगे ना ले जाए, जब तक उसके दिल पे आग ना लगी हो आगे जाने के लिए, तब तक फिर वो जिंदगी भर पीछे रहता है। और हो सकता है कि पूरे जीवन में उसको ऐसा समय ना मिले कि उसके दिल पे कोई आग ना लगाए, उसको कोई बुरा भला ना कहे। हो सकता है कि सब उसके एकदम चहेते हों कि ठीक है बेटा, जो हुआ ठीक है, फिर ठीक है, बस आगे तो जिंदगी, आगे प्राइवेट नौकरी भी है, आगे ये है, आगे वो है, चल चल चल, ठीक है ठीक है। और इसी कहानी को सुनते सुनते वो एक ऐसे पड़ाव में आ जाता है जब शादी ब्याह भी हो जाते हैं और कुछ अच्छा अर्निंग नहीं करता, और लास्ट में वो 40-45 साल की उम्र में ये सोचता है कि काश मैं 20-25 साल में कुछ मेहनत करता, कुछ इनोवेशन करता, कुछ नया करता, तो आज मैं इस स्थिति में ना होता कि मुझे किराए के लिए पैसे मतलब देने के लिए सोचना पड़ता, मेरे पास अपना घर नहीं है। वो इसीलिए होता है कि दिल पे आग नहीं लगती। जब तक दिल पे आग नहीं लगाओगे, आप आगे नहीं भागोगे। आप जो पीछे चले गए हो ना, पीछे की आदत तो वो वहीं से पड़ी है कि मुझे विकास मेरे अंदर से तो होना ही नहीं है, मुझे अच्छी किताबें मिलेंगी, अच्छा टीचर मिलेगा, अच्छे पैसे मिलेंगे, तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा। तो ये चीजें, ये अवधारणा ही विद्यार्थी को पीछे ले जाती है। आज हमारे देश में बहुत सारे लोगों के पास संसाधन नहीं है, बहुत सारे बच्चों के पास संसाधन नहीं है। किसी तरीके से जो इंटरनेट तेज हुआ है, तो इस हिसाब से फोन और एंड्रॉयड फोन के मदद से बच्चों के पास चीजें पहुंची हैं, लेकिन अभी भी वो उस चीज को नहीं ढूंढ पाते, वो उस चीज को नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि भटकाव बहुत ज्यादा है एंड्रॉयड फोन में, इंटरनेट पे। आज अगर हम अच्छा ढूंढना चाहें तो हमें सुबह से शाम हो जाएगी, हमारा साल का 365 दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन वो अच्छी चीजें खत्म नहीं होंगी। इतना है इंटरनेट में। हम किसी भी नौकरी की तैयारी करें ना, आप बोलते हो कि पेड कोर्स, किताबें, टीचर, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप भी अपनी जगह बिल्कुल बेस्ट हो। अगर आप किसी नौकरी की तैयारी करना चाहते हो, आपको यूट्यूब और गूगल, ये दो चीज ऐसी जगह है जहाँ पे आप जो भी सर्च करोगे ना, आपको पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आपके पास कोई भी संसाधन नहीं है, केवल आपके पास केवल यूट्यूब है और उसके अंदर 1 GB 2 GB आपने डाटा डलवा रखा है प्रतिदिन का, और आप जिस भी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं उसको एक बार सर्च करके देखिए यूट्यूब पे, केवल आज मेरे कहने से जो भी आपको बनना है ना, मैं कहता हूँ आपको जो बनना है, आपने पहले से अगर उसकी पढ़ाई शुरू कर रखी है ना, फिर भी आप एक बार उसको सर्च कीजिए कि हाउ टू बिकम अ लोको पायलट, हाउ टू बिकम अ रेलवे RPF, उसके रिगार्डिंग कुछ चीजें आएंगी, चाहे वो किसी की वीडियोस हो, आप उसको पूरा देखिए, इमेजिनेशन कीजिए, अपने आप पे उसको लागू कीजिए कि मुझे क्या करना है। उसके बाद फिर सेकेंड वीडियो देखना कि इसके लिए कौन सा सिलेबस होता है, सिलेबस को देखिए, ये मत देखने लग जाना कि फार्म कब आता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आप केवल सिलेबस देखिए। सिलेबस देखने के बाद उसको नोट कीजिए, नोट करने के बाद फिर उस सिलेबस को एक एक करके सर्च कीजिए, आपको सब मिलेगा। अगर जीवन में कुछ बदलना है, अपनी गरीबी को हटाना है, तो एक ही साधन है, वो भी यही है, पढ़ाई। और पढ़ाई कब होती है आपकी? जब आपके पीछे कोई आग लगाएगा, आपके दिल में आग लगाएगा, आपको कोई जलन महसूस कराएगा ना, जब आपका कोई यार दोस्त आपको एक दिन बोल देगा, मैं कहता हूँ कि आपके 3 दोस्त हैं, 3 में से 2 दोस्त मान लो कि किसी अच्छी जगह सेटल हो गए और उन्होंने आपको ऐसा शब्द बोला कि तेरे बस की नहीं है,
तू वही था, आज भी वही है और कल भी वही रहेगा, क्योंकि तू करने लायक है ही नहीं, तू मेहनत करता ही नहीं है, तू पढ़ता ही नहीं है। और फिर देखना आपके दिल में वो आग लगेगी, आपके लिए वो दोस्त दुश्मन के समान होगा, लेकिन मैं कहता हूँ वो दोस्त भगवान के समान होता है। जो दोस्त तुम्हें कुछ करने के लिए तुम्हें जलाता है, तुम्हें कुछ करने के लिए तुम्हें जलाता है, तुम्हें आगे भेजता है। और मैं भी कुछ उसी तरीके का काम करता हूँ, लेकिन क्या है कि मैं आपको जीवन की पूरी पूरी सच्चाइयाँ बता देता हूँ कि क्या जीवन में आपको मिलेगा। आपको 20 साल बाद, आज आप 25 साल के ना, देखना केवल 5 साल बाद, आज जो माहौल है ना, आपको लगता है कि जीवन बहुत सरल है, बहुत आसान है पैसा कमाना, नहीं मेरे भाई नहीं। आज आपके पास जो मौका है वो 5 साल बाद नहीं होगा। पैसा तो हर जगह कमाया जा सकता है, पैसा तो बिजनेस करके भी कमाया जा सकता है, लेकिन आज जब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप जरूर विद्यार्थी हो, और विद्यार्थी हो तो जरूर आपका काम विद्या ग्रहण ही करना एक मुख्य काम है, ना कि आप बिजनेस के बारे में सोचो, पैसा ज्यादा कमाने के बारे में सोचो, नहीं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका मुख्य काम होना चाहिए विद्या ग्रहण करना, और उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, मेहनत, बैठना सीखना पड़ेगा, लंबे समय तक गहन अध्ययन करना पड़ेगा, अपने आप से पढ़ना पड़ेगा, किसी के कंधे पे बंदूक नहीं रखनी पड़ेगी कि नहीं फलाना टीचर आएंगे यूट्यूब पे तो उनका कोर्स लूंगा तो उनसे पढ़ूंगा, वो जो बोलेंगे वैसा करूँ, नहीं। आपको सिलेबस पता है, सिलेबस के कंटेंट पता है, कंटेंट वो टीचरों ने पढ़ा रखा है, बस सर्च कर करके अपना कंटेंट पूरा कीजिए, अपनी तैयारी शुरू कीजिए, नहीं तो फिर आगे चल के बहुत 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 बुरा हो जाएगा। तो सुबह सुबह मैंने थोड़ा बहुत मोटिवेट किया आपको, आशा करता हूँ कि आप दिन में पढ़ेंगे, उत्साह हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा मेरे वीडियोस पे जो रेलवे के बच्चे होते हैं वो देखते हैं, रेलवे के जो भाई बहन हैं जो रेलवे में जाना चाहते हैं, और मुझे भी रेलवे से बहुत लगाव है क्योंकि एक अलग ही इंटरेस्ट होता है। अगर आपको स्पेशली रेलवे में जाना है, आप सुबह सुबह केवल एक ट्रेन की वीडियो देखना, आपका घर अगर स्टेशन के पास है तो ट्रेन की हॉर्न को फील करना, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उससे रिलेटेड उसके सर्वेंट को फील करना, आप पुलिस में जाना चाहते हैं तो आप पुलिस की वर्दी देख लो सुबह सुबह यार, यूट्यूब पर सर्च करके अपने आप आपको पता चलेगा कि मुझे करना क्या है। इसलिए समय कम है, काम ज़्यादा करना है आपको। मैं एक चीज़ और बताऊं कि आपके पास अगर कोई किताब है, मान लो आपके पास कोई भी किताब है जीके जीएस की, आपके पास नॉर्मल एक स्पीडी है जिसको बोलते हैं ना कि जिसमें से प्रश्न नहीं आते, मैं कहता हूँ वही एक किताब है, कितने लोगों ने उसको पूरा पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा, जैसे ये एक किताब है स्पीडी की, ठीक है, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, इसमें विज्ञान के वो भी प्रश्न हैं जो इस बार रेलवे ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी 2015-16 में आए थे, वो सारे प्रश्न हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, इस किताब को सब आसान की संज्ञा दे चुके हैं कि इससे प्रश्न नहीं आते और ये बहुत आसान है और ये ऐसा है वैसा है, हालांकि अब जिसके पास नहीं है वो तड़पना मत कि मुझे ये लेना है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपके पास जो भी किताब होगी, चाहे कोई सी भी जीके जीएस की किताब हो, आपको उसने आपको आपने उस किताब को कितनी बार पढ़ा है, कितनी बार उसमें पेन से टिक लगाया कि मैंने इसको इतनी रीडिंग दी है, कितनी बार उसमें कितने क्वेश्चन को आपने टिक किया है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे बार बार दिखता है, या फिर ये क्वेश्चन मेरे मतलब फॉर्मूले टाइप है मेरे को याद नहीं होता, उस पर आपने टिक लगाया कितनी बार, अपने आप से पूछो, नहीं होता। आपने थोड़ा बहुत पढ़ा, आपको लगता है कि मैंने बहुत पढ़ा है मेरा हो जाएगा, और यही गलती है, करना पड़ेगा कुछ, बिना करे कुछ नहीं होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कुछ अन्य विषयों पे, और मेरे लिए आप ये कर सकते हो, मैंने आपके लिए इतना किया, अब आप मत कहना कि बस सुबह सुबह उठ के आते हो और मुंह दिखाते हो और बोल के चले जाते, तो नहीं, बोलने के लिए भी कुछ चाहिए। मैं तो कहता हूँ आपके अंदर अगर है तो आप भी आइए, आप भी बोलिए, लोगों को मोटिवेट कीजिए, कोई नहीं करता यार। विद्यार्थी जीवन की यही एक गाथा है कि सब लोग बजा के चले जाते हैं, सब लोग काट के चले जाते हैं, सब लोग फालतू का ज्ञान दे के चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपना विकास करना चाहते हैं। विद्यार्थियों के जीवन से लेना देना किसी को नहीं होता। विद्यार्थी बेचारा फॉर्म में पैसे लगाता है, किताबें खरीदता है, लेकिन उससे सब कमाना जानते हैं, उसको सिखाने के लिए कोई मैदान में नहीं आता। अब कोई का मतलब दो चार लोग हैं मैदान में आते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, लेकिन विद्यार्थी को एक कमाने का साधन बना लिया है दुनिया ने, चाहे वो कोचिंग संस्थान हो, चाहे वो किताबों की दुकान हो, चाहे वो यूट्यूब हो। इसलिए आपको संभल के रहना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि आपका विकास किस चीज़ से होता है। मैं अगर कुछ चीज़ बता रहा हूँ तो मैंने कोई आपसे पैसा नहीं लिया है, आपके 10-5 मिनट लिए हैं, मुझे पता है अगर मैं इस 10-5 मिनट का वीडियो भी ना डालू ना तो आप ये 10-5 मिनट कहीं ना कहीं बिताओगे, अगर आप इंटरनेट पे आए हो समय समय अपना मनोरंजन करने के लिए ना, आप बिताओगे, चाहे आप टिकटॉक देखो, चाहे आप पबजी खेलो, चाहे आप यूट्यूब पे कॉमेडी वीडियोस देखो, आप अपना ये 10 मिनट कहीं ना कहीं दोगे। ये चीज़ मेरे एक दोस्त ने मुझे बताई थी, तब जाके मैं इस चीज़ को अप्लाई करता हूँ।
मुझे ये लगता था कि मैं 10 मिनट 5 मिनट लगाता हूँ वीडियो बनाता हूँ तो आपका कहीं ना कहीं टाइम बर्बाद होता है। मैं आखिरकार क्या देता हूँ नया? कुछ नहीं देता मैं, कुछ वाणी बोल के चला जाता हूँ। ये तो हर कोई कर सकता है, कुछ कमेंट भी करते हैं आप में से कुछ भाई कि तुम मतलब करते क्या हो, तुमने तो बस बोल के चले जाते हो। करना बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। मुझे भी लग गई ये बात कि यार सही बोल रहा है बंदा, बोलना तो बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। जैसे मैं तो करता ही नहीं हूँ, क्योंकि बिना किए तो मेरे को इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं और इतनी सारी ज्ञान मैं दे फेंकता हूँ वो भी बिना करे। तो मुझे भी लगा, इसलिए मैं वीडियो को डालना बीच में बंद किया था। लेकिन उस दोस्त ने मुझे बोला कि यार देख, जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर तू वो 10 मिनट का वीडियो नहीं बनाएगा ना तो बंदा बच्चा आएगा और वो कहीं ना कहीं बिताएगा। अगर तू 10 मिनट का वीडियो बना देता है तो बेशक से 4 लोगों के लिए तो बुरा बन जाएगा, लेकिन कई लोगों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उनका भविष्य कहीं ना कहीं सेट करने में तेरा योगदान बहुत बड़ा रहेगा। और इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। किसी को बुरा लगता है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, किसी को अच्छा लगता है तो उसका धन्यवाद करूँगा। और इतनी मेहनत मैं करता हूँ, सोचता हूँ टॉपिक कुछ बताने के लिए, तो आप भी मेरे लिए एक मेहनत कर सकते हैं। इधर एक कोने पे एक सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन होता है, कृपया करके उसको ज़रूर दबाइए अगर आप नए हैं। और अपने छोटे भाई बहनों में मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि उनको पढ़ने के लिए प्रेरणा मिले, वो जीवन में कुछ करें। और वीडियो का एम है 300 लाइक का, जो कि पिछले एक मतलब कई वीडियो से पूरा नहीं हो रहा है। तो कृपया आप 300 लाइक तक इस वीडियो को पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।